त्योहारी सीजन में सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर फूड सेफ्टी विभाग शिकंजा कसे हुए हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने रसगुल्ला फैक्ट्री में रेड की, जहां दूषित रसगुल्ले मिलने से हड़कंप मच गया। टीम ने रसगुल्लों के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। अगर सैंपल फेल हो गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी अमित चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर अब तक 50 सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे साफ सुथरा काम करें और अच्छा सामान बेचें, क्योंकि गंदा सामान बेचने से कई तरह की बीमारियां लग सकती है। जी देखिए, अभी जैसे त्यौहार का सीज़न चल रहा है तो पिछले एक महीने में लगभग 50 सैंपल्स यहाँ से एनालिसिस के लिए जा चुके हैं और मुहिम लगातार जारी है। मेरी सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स से अपील है कि बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के काम ना करें। जो काम आप कर रहे हैं साफ़ सुथरा करें। आप कोशिश करें अपनी तरफ से कि आप स्वस्थ, जो स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वही मुहैया करें खाने के लिए। आप जो सामान बेच रहे हैं घूम फिर के आपके ही घर में आएगा, तो मेरी सभी से अपील है के साफ सुथरा काम करें, अच्छा सामान बेचें। तो अभी भी मुहिम जारी है सैंपलिंग की? जी, सैंपलिंग की मुहिम जारी है, लगातार हर रोज सैंपलिंग हो रही है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में मुनाफा कमाने के चक्कर में कई लोग जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इससे रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग लगातार चेकिंग कर रही है और कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।